जानवर कोई भी हो, जब वो अपने पर उतर आता है तो अच्छे अच्छों को मजा चखा देता है, और इनका मजा मतलब हम इंसानों की सजा। इनकी हरकतें देखकर तो आप हंसी के मारे झूम उठेंगे। और हाँ, इस वीडियो को पूरा जरूर देखिए, वरना ये जानवर आपके घर आ जाएंगे। तो शुरू करते हैं इस सफारी को। ये है एनिमल मोमेंट पार्ट 168। दोस्तों, ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए सबसे पहले आप उस लाल कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाकर बाजू वाले बेल पर क्लिक करके ऑल का ऑप्शन जरूर सिलेक्ट कर लें। ये मगरमच्छ इनकी बोट पे चढ़ गया था, जिसे ये लोग उतारने पे लगे हैं। ये भाई तो इसे पंच करने की भी कोशिश कर रहा है, पर बड़ी मशक्कत के बाद इस भाई ने मगरमच्छ को पूंछ से पकड़कर पानी में ही डाल दिया। तू भाग जा, ए तमीज से बात कर, आतंक का दूसरा नाम बाबू भाई है। ए आतंकवादी, बाहर निकल। अपना तो आतंक ही खत्म हो गया यार। कभी कभी शांत दिखने वाली गाय भी अचानक खतरनाक हो जाती है, फिर ये किसी को भी नहीं छोड़ती। जैसे ये गाय अपने बछड़े के साथ जा रही थी और सामने से ये आंटी जी आ रही थी, पर तभी गाय ने इन आंटी जी पर हमला किया और उन्हें गिरा दिया, जिन्हें बचाने के चक्कर में ये भाई भी मुंह के बल गिरा। ये भाई साला जिसने मुझे मारा था, हाथ पे तोड़ साले के। अरे मारने लगा भाई 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 क्या हुआ? तो आइंदा से मेरे नाद में मत लग, समझा? अब इस गाय ने हमला क्यों किया ये तो पता नहीं। अगर आपको कुछ पता है तो हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। गाइज, आपने पांडा को हमेशा मस्ती करते देखा होगा, ठीक उसी तरह यहाँ यह पांडा पेड़ पर चढ़कर खेल रहा था कि तभी पीछे से उसका दोस्त आता है और पेड़ पर चढ़ने लगा, लेकिन उस पांडा ने उसे धक्का दे दिया और बेचारा पांडा नीचे गिर गया। लगता है इस पांडा ने इसका खाना चुराया था, जिसका बदला इस पांडा ने ले लिया। मस्त है यार, मैं भी करूँ क्या? एक मिनट, आप उनको भी करने का है। यहाँ बारिश की वजह से सारे घोड़े शेड के नीचे खड़े थे, पर इस एक घोड़े को छोड़ के लगता है घोड़े भाई का भी ब्रेकअप हुआ है, जिसे बहुत बुरा लग रहा है, जो अपने आंसुओं को बारिश में छुपा रहा है, या ये बस बारिश के मजे ले रहा है। आपको क्या लगता है? शब्बो कहाँ चली गई? शब्बो अंकल, ये कौन है? ये शबनम का आशिक है, शबनम ने इसे छोड़कर किसी और से शादी कर ली। अच्छा अच्छा, रुख जिंदगी ने मोड़ लिया कैसा। जिसे देखने के बाद आप जू में जाना ही बंद कर देंगे। वो क्यों, ये आप इस क्लिप में देखिए। यहाँ ये सारे लोग लेपर्ड को देख रहे थे, और तभी अचानक से लेपर्ड ऊपर आने की कोशिश करता है, लेकिन वो बाहर निकल ही नहीं पाता। अच्छा हुआ फैंस की हाइट ज्यादा थी, वरना आज इन सब की खैर नहीं थी। अरे कोई है? मुझे कैसे भी करके निकाल, मेरे भाई मैं फंस गया हूँ यहाँ। इस ममा पांडा और बेबी पांडा को देखिए, कैसे ये ममा पांडा अपने बच्चे के साथ खेल रही है। बहुत ही प्यारा मोमेंट है भाई ये, इसके लिए तो एक लाइक बनता है। घर मेरी माँ। अरे बदमाश, तू पी कर आता है? मैंने मुश्किल से 200 रुपए दिए थे और तू दारू में उड़ा कर आया। मैंने 2000 मांगे थे, तुमने सिर्फ 200 दिए। अब ये किसकी चड्डी उठा के लाया है? चड्डी, एक से बढ़कर एक चड्डी, रंग बिरंगी डिजाइनदार खुशबूदार इज्जतदार चड्डी, हर कलर और डिजाइन और साइज और फ्लेवर की चड्डी। शायद इसका ओनर बिना चड्डी पहने ही बाहर निकल गया, जिसे ये डोगो भाई ढूंढ रहा है ताकि वो अपने ओनर को चड्डी पहना सके। कम से कम दूसरे घर तो चड्डी पहन के आना चाहिए था ना। ऑस्ट्रिच ऐसा पक्षी है जो जितना शांत है उतना खतरनाक भी, और अगर ये आपके पीछे पड़ जाए तो आपके खैर नहीं, और इनके अंडों को तो बिल्कुल भी हाथ नहीं लगाना चाहिए, वरना क्या होता है ये आप यहाँ देखिए। मेरा नहीं है ये, मेरा नहीं है। देखा, इनके अंडे चुराने का अंजाम इसने तो दीदी को ही उलट दिया, तो आप भी इनसे दूर ही रहिए। ये भाई अपने ऊंट के साथ रेगिस्तान में घूम रहा था, और अचानक से ऊंट गुस्सा हो गया और इससे शेख के पीछे भागने लगा, जिसे देखने के बाद शेख भाई की चीखें निकलने लगी और वो अपनी जान बचाने के लिए अब भाग रहा है। ए आदि, हाँ, रोड कब आएगा यार? मैं रोड नहीं आएगा, हम लोग को रोड की तरफ जाना है। साले तू पागल है क्या? अबे तू पागल, तेरी माँ की। अरे नहीं, अरे नहीं, अरे कहाँ गया? बिल्लियां किसी को नहीं बख्शती, फिर चाहे वो कोई इंसान हो या शेर, ये किसी से नहीं डरती। इस वीडियो में भी ये कैपीबारा इस कैट के पूंछ पर गलती से हाथ रख देता है, जिसके बाद कैट ने जो कैपीबारा को चमाट लगाई
वो तो देखने लायक थी। कैपिबारा भी सोच रहा होगा, गलत कैट से पंगा ले लिया, इससे तो बच के रहना पड़ेगा भैया। अंदर क्या? सॉरी ब्रो, गलती से हो गया। क्या सॉरी? जब से तू मिला ना, अपना तो आतंक ही खत्म हो गया है यार। क्रिसमस पर हर किसी को गिफ्ट मिलता है, वैसे ही इन गोरिल्ला की गैंग को भी मिला, जो अपना अपना गिफ्ट लेके जा रहे हैं। पर इस गोरिल्ला भाई को अभी तक उसका गिफ्ट नहीं मिला, जो अभी सोच रहा है सबको गिफ्ट मिला, मुझे क्यों नहीं मिला। गिफ्ट से ये सब तो काफी खुश हो गए। गिफ्ट ना सही, पर किसी जानवर को खाना देकर आप भी मदद जरूर कर सकते हैं। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। आ गई माल, आ गया आ गया। चलो पैक चेक करते हैं, चलो माल। जल्दी कर, जल्दी कर, जल्दी कर, जल्दी कर। ये तो लेडीज कॉस्ट्यूम है, हाँ? ये किधर पहनने का, हाँ? चल मेरे को इतना छोटा दिया, अब देख मैं सबका बैंड कैसे बजाता है, देख। इतना मेहनत करने के बाद में मिला क्या, गाय का चारा? अभी बच्चा पैदा नहीं हुआ और आप सारे मोहल्ले में बर्थडे पार्टी मना रहे। बच्चा? तेरे को बच्चा होने वाला? अरे ये राजू, इसका शादी कब हो रही है? बोल। अरे इसका शादी नहीं हुआ। कहते हैं जानवर भगवान को देख सकते हैं और उन्हें भगवान का एहसास भी होता है। यहाँ मंदिर में उत्सव किया जा रहा था, जिसके दौरान ये कुत्ता यहाँ आके बैठ गया और बड़ी ही शांति से परफॉर्मेंस देख रहा है ना, काफी ये अद्भुत। इस वीडियो में एक बिल्ली रास्ता पार करके कहीं जा रही थी, जिसे देखकर लग रहा है ये कैट अपने बेबी को लेकर जा रही है। लेकिन एक सेकंड, ये तो कुछ और ही है। अब पता नहीं इस बिल्ली को ये कहां से मिला, पर ये जिस लड़की का है वो अभी भी इसे ढूंढ रही होगी। आज तो फिर मिल गए, मजा आ गया। तू ये कहां से उठा के लाया? उठा के नहीं लाया। एक बाघ इस दीवार पर फंस गया था, जो पता नहीं कहां से आया था। उसने कई बार कोशिश की पर वहां से नहीं निकल पाया, इसीलिए बेचारा वहीं सो गया। जो कह रहा होगा, पता नहीं किन किन इंसानी जानवरों के बीच फंस गया मैं, लोग भी उस बाघ को देख रहे हैं। जो कह रहे होंगे, हमारी नींद खराब करके खुद चैन से सो रहा है। कैसा हालत हो गया है साला, भिखारियों के साथ सोना पड़ो। थोड़ी ही देर बाद वहां पर रेस्क्यू टीम आ गई और उस बाघ को वहां से निकालकर जंगल में सुरक्षित छोड़ दिया। आजकल बच्चों की तरह लोग अपने पेट्स को भी कपड़े पहनाते हैं, जो दिखने में फनी और काफी क्यूट होते हैं। उसी तरह इस बिल्ली को भी कपड़े पहनाए गए थे और बिल्ली मौसी के पास पर्स भी है, जो काफी प्यारी दिख रही है। अरे मम्मी देखिए, देख मैं फ्रॉक लेकर आई, कैसा लग रहा बता दे मम्मी। अब देखिए क्या होता है जब संडे के दिन आपकी छुट्टी हो और घर में बच्चे आपको आराम न करने दे। यहाँ ये दोनों डॉग्स शांति से बैठे थे, पर इन बकरे के बच्चों को शांति का क्या पता, जो इसे सता रहे हैं। पर इनके सताने से इस डोगो भाई को कुछ फर्क नहीं पड़ रहा। डॉग्स भी बोल रहे होंगे, एक दिन छुट्टी मिलती है उसमें भी शांति नहीं, ये मालिक को बोल के ड्यूटी चेंज करनी पड़ेगी। पर ये कितने प्यारे हैं, जिन्होंने इन बच्चों को कुछ भी नहीं किया, बस शांत बैठे हैं। अंकल, बाद में चल। अंकल चलो पकड़ा पकड़ी खेलते। तू कभी थकता नहीं है भाई। अब थक गए? नहीं, मैं एकदम फ्रेश हूँ। तो चलो खेलते। डॉग्स को इंसानों की तरह दो पैरों पर चलते हुए आपने देखा होगा, पर अब बिल्लियां भी इंसानों की तरह हरकतें करने लगी है। जैसे ये बिल्ली ग्लास में पानी पीने की कोशिश कर रही है और वो भी अपने पंजों से। ये मेरे लिए बाएं हाथ का खेल था। अब वो दिन भी दूर नहीं जब जानवर इंसानों की तरह बोलने भी लगेंगे, क्यों सही कहा ना। बकरी किसी को हेडशॉट ना मारे ऐसा हो ही नहीं सकता, फिर चाहे वो सेंटा क्लॉज ही क्यों ना हो। सेंटा घंटा साले तेरी तो नहीं लगी। एक मिनट, मैं जानता हूँ। मार मत, ये बोला ना, एक मिनट। बता माल तेरे तो फाट डालूंगा तेरे को। एक्टिंग कर रहा है मेरे सामने। तेरी एक्टिंग के तो साले बता माल किधर है। शायद सेंटा भाई ने इसे क्रिसमस का गिफ्ट नहीं दिया, जिस वजह से सेंटा पे इतना भड़क गया है, जिसने सेंटा को दौड़ा दौड़ा कर हेडशॉट मारे। अब शायद ही सेंटा अगले साल गिफ्ट लाए। यहाँ ये लड़की रील बना रही थी और बंदर चुपचाप वहां से जा रहा था, लेकिन जैसे ही दीदी ने उसे आवाज लगाई, भाई को गुस्सा आ गया और बंदर भाई दीदी पे चार्ज हो गया, जो कह रहा होगा, एक तो यहाँ आकर वीडियो बनाती है, ऊपर से हमें डिस्टर्ब करती है। रुक, अभी कैमरा तोड़ता हूँ। अरे बस उतार भाई, निकल। अरे भैंड निकल।
तो दोस्तों, अगर आप इस वीडियो का पार्ट 169 देखना चाहते हैं तो कमेंट्स में लिखिए पार्ट 169। बंदर अक्सर कुछ ना कुछ ऊट पटांग चीजें करते रहते हैं जिनकी हरकतें हमें काफी हंसाती भी है। जैसे ये वीडियो देखिए, जब इस छोटे बंदर ने पापा के पास पटाखे मांगे तो देखिए क्या हुआ। पापा सुनो ना। हाँ बोल। फटाके दिला दो ना। अबे कोई जरूरत नहीं फटाकों की, फालतू का खर्चा है। नहीं पापा दिला दो, बहुत मजा आता है फटाके फोड़ने में। तू नहीं मानेगा, ये ले मोटा वाला बम और लेगा फटाके, ये ले रॉकेट और आए मजा। छी। देखा, पापा ने इसे गैस बम दे दिया। यहाँ इन बिल्लियों की सीरियस टॉपिक पे मीटिंग चल रही थी, पर इस भाई ने आकर इनको डिस्टर्ब कर दिया। शायद इनका इंसानों पर हमला करने का प्लान चल रहा है। और इस बिल्ले का एक्सप्रेशन देखने लायक है। ये सोच रहा होगा कहीं इस इंसान ने हमारी बातें तो नहीं सुन ली। हम भी काम करते थे त्रिपाठियों के लिए, तुम भी करते हो। हम भी लायल थे, तुम भी लायल हो। हम भी पेले गए थे, तुम भी पेले जाओगे। हमको ज्वाइन कर लो। ए जा तू तो बता। रिपोर्टिंग के समय जानवर काफी मजेदार हरकतें करते हैं और रिपोर्टर को तंग करते हैं। यह भाई रिपोर्टिंग कर रहा था कि तभी ऑस्ट्रिच यहाँ आया। शायद इन्हें भी अपनी बात रखनी थी, पर भाई ने बोलने ही नहीं दिया। बस फिर क्या, जैसा कि हमने कहा, ऑस्ट्रिच खतरनाक होते हैं। रिपोर्टर्स को ही भगा दिया वहाँ से। कराची से अंदरून मुल्क लोग अपनों में कैमरा चालू है। यार बड़ा बेगरत आदमी है, उधर से निकल जाना भाई। तू तो गया बेटे। भाई जानवर छोटा हो या बड़ा, डर तो लगता ही है, कहीं वो हमला करके काट न ले। जैसे इस छोटे ओपोसम ने इन दो हट्टे कट्टे आदमियों को डरा दिया। ये भाई ओपोसम को डंडे से पकड़ के भगा रहा था, पर ओपोसम ने भी जवाबी हमला किया, पर भाई को डरा दिया और ये भाई तो सीढ़ी लेके गिर गया। मर्द को दर्द नहीं होता साहब, पर डर जरूर लगता है। जब भी जंगली जानवरों को खाने की तलाश होती है वो शहर में घुस जाते हैं। वैसे ही ये बियर पूरी फैमिली इसके घर तक आ गई, जिन्होंने इस गमले में रखे पेड़ों को खा के सफा चट कर दिया। ये तो किसी के साथ शेयर भी नहीं करना चाहता जिसने इनको भगा दिया। ओए खाना खाने के लिए पैसे नहीं लगते, वो देख ककड़ी देख, ककड़ी देख। चाट मसाला होता ना यार, तो खाने का मजा ही कुछ और होता है। सब मेरा है मेरा। अगर इंसान जंगल तोड़ के शहर बनाएगा तो ये जानवर भी तो शहर में आएंगे ना भाई। ओरांगुटान, जिनको बंदरों की प्रजाति में सबसे ज्यादा होशियार माना जाता है, जिनकी हरकतें बिल्कुल किसी इंसानों जैसी ही होती है। शक्कर नहीं है बिल्कुल इसमें। ठीक उसी तरह ये ओरांगुटान अपने बाल कंघी करने को तैयार है, जिसे देखकर ऐसा लग रहा है भाई अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने जा रहा है। कंघी घुमा के उल्टा टोपी टिका के गॉगल लगा के अपना कॉलर चढ़ा के। कौन है ये जिसने दोबारा मुड़ के मुझे नहीं देखा? सच सच के घर से डका डक निकलने का साल रहने का। तो दोस्तों, जानवरों के ऐसे कारनामे कभी खत्म नहीं होंगे, इसलिए आज की वीडियो में इतना ही। नीचे कमेंट्स में जरूर बताएं कौन सा मोमेंट आपको फनी लगा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद।